नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूदीप शेखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। शिरडी के साईं बाबा धाम, जहां लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, यहां के चढ़ावे की बात करें तो चंद महीनों में करोड़ों का चढ़ावा बाबा साईं को चढ़ जाता है। वहीं साईं बाबा धाम में कोविड के बाद भी चढ़ावे में कोई कमी नहीं आई। साईं संस्था के CEO भाग्यश्री बानायत ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार की अनुमति से साईं मंदिर 7 अक्टूबर 2021 को भक्तों के लिए खोला गया था, लेकिन कुछ दिन तक भक्तों की संख्या कम रही। मंदिर खुलने के बाद 31 मार्च 2022 तक 41 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यहां साईं बाबा के समाधि का दर्शन किया, तो वहीं इन 7 महीनों में 188,55,31,971 रुपए का दान जमा हुआ। कोविड की स्थिति पहले काफ़ी साईं बाबा संस्थान की तरफ आने वाले दान का ओघ काफ़ी कम हो गया था, लेकिन मंदिर खुलने के बाद आने वाले दान में काफ़ी बढ़ोतरी दिखाई गई है। और आज तक अक्टूबर 2021 के बाद आज तक साईं बाबा के डोनेशन बॉक्स में 188,55,00,000 से भी ज़्यादा दान डाला गया है। अर्थात शिरडी की सबसे बड़ी क्राउड का रीज़न ही भक्तों की साईं बाबा के ऊपर जो श्रद्धा है, जिस श्रद्धा की वजह से लोग साईं बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पे खींचे चले जाते हैं, वही इसका सबसे महत्वपूर्ण रीज़न हम मान सकते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद वे THDC गेस्ट हाउस बीप्रम पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री ने टिहरी डैम टॉप एंड गैलरी का भ्रमण भी किया, जहां महाप्रबंधक THDC ने डैम की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने टिहरी जल शक्ति संग्रहालय का निरीक्षण कर जर्नी ऑफ टिहरी डैम डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रसारण व पावर हाउस का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिला के चेहरे को ब्लेड से चीर देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ित महिला से मिलने उनके निवास पहुंचे। उन्होंने उसे भरोसा दिया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने पीड़िता के परिवार को 1,00,000 रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। शिवराज ने कहा कि पीड़िता के इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। जिस हिम्मत से बदमाशों का मुकाबला किया, वो दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरक है। दरअसल भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र में 9 जून की शाम रोशनपुरा चौराहे के पास महिला के साथ मारपीट और पेपर कटर से चेहरे पर वार करने की घटना हुई थी। वहीं आरोपियों के घर का अवैध निर्माण भी गिराया था। 11 और 12 जून की दरमियानी रात में पुलिस ने 38 साल के मुख्य आरोपी बादशाह बैग के साथ उसके 2 नाबालिग साथियों अजय और निखिल को पकड़ लिया। बहन सीमा सोलंकी से मिलने आया था। ये वो बहादुर बहन है जिसने गुंडों ने जब छेड़छाड़ की कोशिश की तो उनको थप्पड़ मारा था। पहले वो भाग गए थे भीड़ देख के, और बाद में जब अपने पति के साथ सीमा जा रही थी तो ब्लेड उसको मारी। इस घटना से मेरा मन दुखी भी है, लेकिन उद्वेलित ज्यादा है। जिन अपराधियों ने ये पाप किया है उनको हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। उनको कठोरतम सजा दी जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज सवेरे ही मैंने बैठक बुला के साफ कह दिया है कि इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिरफ्तार तो होगा, कठोरतम कार्रवाई होगी। छतरपुर जनपद पंचायत के ग्राम मोराहा में अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित सीट दी गई है। वैसे तो इस सीट पर आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन शिक्षित और युवा प्रत्याशी के रूप में जानकी मनोज अहिरवार का नाम आता है। प्रत्याशी जानकी अहिरवार मोराहा ग्राम पंचायत में सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार के रूप में सामने आई है। माताओं बहनों के साथ उनका आशीर्वाद है, तो उनके साथ जुड़ी जी। तो आपकी क्या प्राथमिकता है, किस प्रकार के विकास कराएंगी आप अगर चुनाव में जीतती हैं तो? विकास जो जनता चाहेगी वो हम सब करा देंगे। और पानी की सुविधा नहीं है? पानी की सुविधा नहीं है तो हम वो पानी की सुविधा भी करा देंगे। मंगल भवन आपके यहाँ नहीं है शादी के लिए? नहीं है यहाँ, तो वो भी हम करवा देंगे जी। हमारी जानकी बाई अहरवार वो पढ़े लिखे सदस्य भी हैं, और वो मतलब अच्छा उनको सोच रहे हैं कि उनको जिताने के लिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए हमने उनको आगे खड़ा किया है जी।
इन दिनों नगर निगम चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के अलावा टेंट व्यापारी भी कुछ वार्डों में अपने प्रत्याशी को खड़ा करने की बात कह रहे हैं। टेंट व्यापारी संघ ने सोमवार को पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी दी कि आगामी निकाय चुनाव में हम मैदान में उतरने जा रहे हैं। वैसे भाजपा पार्टी के तरफ से टिकट की मांग की है, भाजपा अपना प्रत्याशी घोषित करे, अन्यथा निर्दलीय भी चुनाव मैदान में डटने की तैयारी है। कटनी टेंट लाइट एसोसिएशन की आज एक बैठक आयोजित की गई थी नगरीय निकाय चुनाव एवं ग्रामीण चुनाव को लेकर के। क्योंकि कटनी टेंट लाइट एसोसिएशन एक सामाजिक संस्था है और प्रदेश की प्रथम पंजीकृत टेंट व्यवसायी संस्था है। हमारे संस्था का व्यापारी बड़ा ही सेवाभावी होता है, हर समाज हर समुदाय से उसका जो सीधा जुड़ाव होता है, इसलिए हमारे इन 45 वार्डों में हमारे 3 योग्य प्रत्याशी जो दावेदारी भाजपा से की है और उनके समर्थन में आज ये पूरा हमारा संस्था इकट्ठी हुई है, जिनका कहना है यदि भाजपा इन 3 प्रत्याशियों को टिकट देती है वार्ड क्रमांक 18, वार्ड क्रमांक 34 और वार्ड क्रमांक 38 से, और प्रबल दावेदार है, हमने अपने संस्था के द्वारा सर्वे भी कराया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के पिहरीद गांव में बोरवेल में गिरे 10 साल के राहुल को निकालने की हर कोशिश की जा रही है। सोमवार को सुबह 10 बजे तक बच्चे को बोरवेल में गिरे 65 घंटे हो चुके हैं। रात के वक्त राहुल सो गया था, मूवमेंट नहीं होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा। इस बीच सुबह करीब 5 बजे जब मूवमेंट हुआ तो उसे खाने के लिए फ्रूटी और केले भी दिए गए। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि राहुल अभी 10 फीट की दूरी में फंसा हुआ है। चट्टान की वजह से टनल बनाने में दिक्कत आ रही है। कोई भी मशीन लगाने से पहले बच्चे के बारे में सोचकर ही कदम उठाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बच्चा मूक बधिर है, मानसिक रूप से काफी कमजोर है, जिसके कारण वह स्कूल भी नहीं जाता था, घर पर ही रहता था। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रमुख राजनीतिक दलों के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी अपनी मौजूदगी जताने के लिए जतन कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कटनी नगर निगम चुनाव में महापौर प्रत्याशी और 45 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। उन्होंने कहा कि ईमानदार स्वच्छ छवि का चेहरा हमारा प्रत्याशी होगा। आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशी जनता के अनुरूप हैं, शिक्षित पढ़े लिखे समाजसेवी वर्ग से आते हैं, गैर राजनीतिक हैं, आम जनता के अनुरूप हैं। राजनीतिक लोगों को वोट देकर के लोगों ने इतने वर्षों में देखा है, अब आम आदमी पार्टी की तरफ लोग नज़र गड़ाए हुए हैं। सबकी एक आशा है कि एक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी हमारे शहर में भी आए, लोग वोट देने के लिए उत्सुक हैं। निरंतर लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि कब आप अपनी पार्टियों की प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे, इसलिए आज पहली सूची जारी करनी पड़ी। कल शाम को महापौर प्रत्याशी की घोषणा आम आदमी पार्टी करेगी और 3 चरणों में हम सभी समस्त वार्डों के प्रत्याशी घोषित कर देंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नगरीय निकायों के सभी मतदाताओं को घर घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ये कार्यवाही मतदान दिनांक के पहले कर ली जाए। नगरीय निकायों में प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी 2 दिन के दौरे पर टिहरी गढ़वाल पहुंचे। इस दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयासरत हैं। अभी हमारे पास चिकित्सकों की कमी है क्योंकि पिछले सरकारों ने 50 से 60 साल में कम डॉक्टर देश को दिए हैं, लेकिन अब सरकार उस कमी को पूरा करने का काम शुरू कर चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह के कारण हम सब लोग घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का एक ही कंसर्न है, वो ये है कि जो ग्रामीण इलाके दूर दराज के ग्रामीण इलाका है उधर भी हमारा स्वास्थ्य के सुविधाएं रहना चाहिए, इसीलिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो इतना जो छोटी सी गांव है ये चोपड़ियाल ग्राम इतना छोटी सी गांव है, इधर तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको भेजा है। रायपुर के देवेंद्र नगर में 3 दुकानों से लाखों रुपयों पर हाथ साफ करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोर के पास से 8,500 नकदी समेत बाइक बरामद की है। जानकारी के मुताबिक शातिर चोर देश के कई राज्यों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है।
खबर उमरिया से है, जहां जल संकट के चलते लोग परेशान हैं। कुछ तालाब और बावड़ियों का पानी सूख चुका है तो कुछ में पानी गंदा है। आलम ये है कि लोग अपने रोजमर्रा के कामों के लिए दो पानी की एक एक बूंद को मोहताज हैं। सरकारी अफसर और नगर निगम हाथ पर हाथ धरकर तमाशा बीन बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर लोगों को पीने के पानी का इंतजाम करने में पसीने छूट रहे हैं। पान निकलाने मुहताज, सगला हार पा के पान निकलाने तो कहाँ जाइए अब हम बताब। हाँ, हेड पंप से लाई तो मुर्सियान मुर्सियान पानी आउट है। लाइन माही पानी मिल जाता रहो, अब जब से नहीं लग लगो तब से पानी नहीं मिला, हम कहाँ जाए पानी भर है। हम लोग जो पानी यूज करते हैं, कुआं और नल सब सूख चुके हैं और वार्ड नंबर 6 में बहुत समस्या, 12 में बहुत समस्या हो रही है और कोई लाइन यहाँ बिछाई नहीं गई है, उसमें हम लोग को पानी के लिए बहुत असुविधा हो रही है। उमरिया के सभी वार्डों में वर्तमान में पेयजल संकट भीषण है और ख़ास तौर से फलेशर, विकटगंज और सिंगल टोला से लेकर के आपके पूरे रामपुरी, मोहनपुरी और ज्वालामुखी में पेयजल का भीषण संकट है। हल्द्वानी के नगर निगम सभागार में मजदूरों के हक की बात पर मंथन के लिए सम्मेलन किया गया, जिसमें संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के बोरा ने कहा कि साल दर साल मजदूरों के अधिकारों में कटौती की जा रही है, लेकिन सरकार है कि नफरत की राजनीति करने में असल मुद्दों से देश के नागरिकों को गुमराह कर रही है। चाहते हैं कि आज जिस तरीके से तेज महंगाई है और मजदूरी काफ़ी कम है और उसके साथ साथ इस देश के मजदूरों को जो उनके अधिकारों में कटौती की जा रही है, उन सब के बजाय हमारी सरकार इसको नफरत में डुबा देना चाहती है, तो हमें कहना चाहते हैं कि ये बंद होना चाहिए और भारत के जो संविधान के हिसाब से जो हमारी रोज़गार रक्षा की गारंटी हमारा संविधान हमको देता है और हमारे पेशागत जो उपायों की गारंटी हमको संविधान देता है, सरकार उन अधिकारों को बहाल करे, कानूनों को बहाल करे, लेबर कोड बहाल करे और तमाम जगहों से अस्थाई काम की प्रवृत्ति में जो काम धकेल दिए गए हैं वो खत्म किए जाएं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नशा मुक्ति के लिए नवा बिहान नशा मुक्ति अभियान चलाया, जिसके चलते अंबिकापुर की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 65 नग नशीले इंजेक्शन के साथ युवक को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि दर्रीपारा के पास एक संदिग्ध नशीले इंजेक्शन बेचने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और नशीले इंजेक्शन के साथ युवक को गिरफ्तार किया। सूचना मिला कि एक व्यक्ति दर्रीपारा आदित्य होटल सामने भारी मात्रा में नशीली इंजेक्शन लेके बिक्री करने हेतु खड़ा है। उस सूचना को तत्काल में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के निर्देश प्राप्त करके तुरंत अपने स्टाफ लेके विधिवत जो NDPS के तक कार्रवाई होता है उसके प्रावधानों का पालन करते हुए तुरंत जाके घेराबंदी करके हम लोग आज अभी करीब 12 बजे सुबह प्राप्त हुआ था, कार्रवाई करते 12 बज गया है, गिरफ्तार किए हैं। उससे भारी मात्रा में मिला है 65 नग इंजेक्शन जो कि ये अंतर्राज्यीय है। अभी बहुत कार्रवाई की है तो रुका है, फिर भी जो है बाहर से कुछ ना कोई आके करता है। एक बार में पास न होने वाले छात्रों के लिए रुक जाना नहीं कार्यक्रम के अंतर्गत कराई जा रही परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के प्रयास का मामला सामने आया है। मुरैना के GD हायर सेकेंडरी स्कूल में चल रही परीक्षा के दौरान 5 लोग दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंच गए। इस दौरान जब उनके प्रवेश पत्र चेक किए तो वे पकड़ में आए, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। कांग्रेस में अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है। नया मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी का है, जहां नव संकल्प कार्यशाला कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस से निष्कासित कार्यकर्ता उवेश राजा अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए, जहां उनका कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश में विवाद हो गया। इस दौरान कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और कार्यक्रम में जमकर कुर्सी चली, जिसके बाद कांग्रेस पदाधिकारियों ने मामले को शांत करवाया। देखिए, नाराजगी का तो हमें पता नहीं, हम लोग तो कांग्रेस के प्रोग्राम में आए थे और जब हमने कांग्रेस की सदस्यता कभी ली नहीं, ना मेंबरशिप हमने कभी ली है, तो हमें कुछ लोगों ने अगर निष्कासित कर दिया तो अब ये उनकी मर्जी है। हमने तो कभी कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है। अगर सदस्यता ली हो या हमने कभी कांग्रेस की मेंबरशिप ली हो तो आप सार्वजनिक कर रहे हैं लोग कागज, निष्कासित कर दिया। अब निष्कासित कर भी दिया, चलो मन मर्जी चल भी रही है, या अगर अगर आपके माना गुंडागर्दी चल रही है आपकी पार्टी में, तो हम
किसी यहाँ लोकल नेता के साथ नहीं आए थे, हम अपने नेताजी के साथ आए थे यहाँ पर। मैं यही कहना चाहता हूँ, और कोई बात नहीं है, अगर सुमित हृदेश कांग्रेस के खिलाफ काम करे तो सुमित हृदेश को कांग्रेस से निकाल दिया जाए, तो कांग्रेस की किसी भी मीटिंग में सुमित हृदेश का कोई आने का वो नहीं है। तो एक व्यक्ति जिसको यहाँ के महानगर कांग्रेस ने, जिला कांग्रेस ने निष्कासित करा हुआ है, वो चौड़ा होकर कैसे कांग्रेस की बैठक में, हमारे चिंतन शिविर में आ सकता है जो व्यक्ति विरोध करता है? तो बवाल तो देखिए, बवाल तो वो करते हैं, हम लोग तो थोड़ा सा अनुशासन लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अनुशासित तो रहना ही पड़ेगा, संगठित भी रहना ही पड़ेगा। पिछले एक महीने से ग्राम पंचायत जयपुर खीमा का धनपुर गांव लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहा है। फसलों को पानी न मिलने से खेत पूरी तरह सूख कर बंजर होते जा रहे हैं, जिसके चलते संकट गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने समस्या को लेकर नलकूप विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मेरी ग्राम पंचायत के ग्राम धनपुर में जो 8 नंबर ट्यूबवेल है और जयपुर खीमा में ट्यूबवेल है जो सिंचाई के लिए इनका यूज़ करा जाता है, पेयजल में भी इसका यूज़ है, लेकिन कई समय से लो वोल्टेज के कारण पानी का सप्लाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। मुझे सिंचाई के लिए प्रॉब्लम आ रही है, जैसे काश्तकार लोग सिंचाई के लिए जाते हैं तो लो वोल्टेज की वजह से वो ट्यूबवेल ऑपरेट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से टेल तक पानी जाने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी समस्या ट्यूबवेल की, ट्यूबवेल ये एक महीना हो गया लगभग, ये चल नहीं पा रहा है लो वोल्टेज की वजह से, तो हम लोग इसी ट्यूबवेल पर निर्भर हैं। बाहर का पानी यहाँ पर आ नहीं पाता है, ऊपर जैसे केनाल का पानी, तो यहाँ पर पावर हाउस जाते हैं तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे पास ऊपर से ही वोल्टेज कम है, हम इससे ऊपर वोल्टेज हमारे यहाँ कोई मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और हमारी गन्ने की फसल जो है बिल्कुल सूख चुकी है, कोई भी अफसर आके यहाँ पर आके देख ले तो गन्ना बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, विभाग का कोई कर्मचारी झांकने को तैयार नहीं है, और हमारे प्रधान जी जो हैं अथक प्रयासों में लगे हुए हैं, ये उन्हीं की देन है जो फसल बची बुची हुई है थोड़ी सी भी, अगर इसमें स्टेबलाइजर लग जाए एक तो बहुत अति उत्तम है। आपसी अंतर्कलह झेल रही कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने जुटी है, जिसके चलते हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान एक निष्कासित नेता और विधायक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों को बाहर का रास्ता दिखाकर नई रणनीति पर मंथन किया गया। ये तो सबसे पहले जो उदयपुर में नव संकल्प शिविर हुआ था और उसके क्रियान्वयन के लिए प्रदेश स्तर पे, अब जिला स्तर पे ये कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है, चिंतन की आवश्यकता है। जो परिणाम आए वो हमारे पक्ष में नहीं आए, और जो आज की आर्थिक सामाजिक न्यायिक परिस्थितियां हैं और सामाजिक ताने बाने को जिस तरीके से ध्वस्त करने का प्रयास करा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इस पर मंथन चिंतन और कांग्रेस अब कैसे योगदान दे सकती है इस भारत को जो तोड़ा जा रहा है, इसको जोड़ने में, इस पर गहन विचार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के उदयपुर में एक चिंतन बैठक की और उसमें कुछ संकल्प लिए, जिसको लेकर पहले प्रदेश स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर इसका क्रियान्वयन होना है, और इसका मकसद एक ही है कि पार्टी को कैसे खड़ा किया जाए, क्योंकि आज जो विरोधी पार्टी है वो धर्म के नाम पर राजनीति। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है, बता दें जिसके चलते इंदौर के देपालपुर में स्थानीय विधायक विशाल जगदीश पटेल ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और संभावित प्रत्याशियों के साथ बैठक की, जिसमें बाद में उन्होंने कहा कि लंबे अरसे के बाद प्रदेश में चुनाव हो रहा है, जिसके चलते सभी लोग खुश हैं। वहीं दूसरी ओर अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वालों के पास प्रत्याशी नहीं है। अलग ही उत्साह देखने को मिला सभी व्यक्तियों में, और एक माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, हर एक व्यक्ति खुशहाल है कि कहीं ना कहीं वापस एक लंबे अरसे के बाद चुनाव हो रहा है, जो उनका मौलिक अधिकार था, कहीं ना कहीं राजनीतिक बलि चढ़ रही थी आम जनता। संविधान में लिखा है कि 5 वर्षों में चुनाव होना चाहिए, लेकिन सरकार की मनमानी के चलते, उनके आचरण के चलते उन्होंने जो वादा खिलाफी करी वो आम जनता को फेस नहीं कर पा रहे थे, इस कारण से लंबा समय हो गया चुनाव।
देश में पड़ रही भीषण गर्मी से जनता बेहाल है। इस बीच आगरा में ताजमहल देखने आ रहे सैलानियों को ताजमहल परिसर में पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। अव्यवस्था का आलम यह है कि परिसर में बने नल सूखकर शोपीस बन चुके हैं, जिसके चलते हर उम्र तबका और शहर के सैलानी परेशान हो रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमके न्यूज़। नमस्कार।